अनुसूचित जाति जनजाति कानून में बदलाव का विरोध करने के लिए देश भर में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। पंजाब के लुधियाना में भी लोक इंसाफ पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है। इस बंदी से पंजाब सहमा हुआ है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब पुलिस ने एहतियातन लुधियाना में 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा वहां रैपिड एक्शन फोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लुधियाना के एक पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सोमवार को बंदी के दौरान जो भी उपद्रव फैलाने या हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बेंस लोगों से हंगामा नहीं करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की थी। आपको बता दें कि लुधियाना में दलितों की अच्छी आबादी है और इसी वजह से प्रशासन सचेत है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट 1989 में बदलाव करते हुए गैर जमानती धाराओं को कमजोर कर दिया है। अब कोर्ट की जगह आरोपी को थाने से भी जमानत मिल सकती है। इस बदलाव के खिलाफ देश भर के दलित संगठनों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अनुरोध किया था। दलित संगठनों की अगुवा संस्था नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के अशोक भारती ने आज संसद घेराव का कार्यक्रम भी रखा था। इस बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री धावरचंद गहलोत ने आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की थी। दलित संगठनों की मांग है कि संशोधन को वापस लेकर पहले की ही तरह SC/ST कानून को लागू किया जाए। पंजाब में एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजों को सोमवार को बंद कर दिया गया है और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित रखने का आदेश दिया है। बठिंडा जिले के BSF के करीब 300 जवानों को 2 दिन पहले से ही तैनात किया जा चुका है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने रक्षा विभाग को चिट्ठी लिखकर आर्मी को तैनात रखने और सूचना पर तुरंत भेजने का आग्रह किया है। उधर पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी दलितों के बंद को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।